नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धराज सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल पर एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ट्विन सिटी को केंद्र सरकार के एक और महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल किया गया है। रिंग रोड के बाद अब भारतमाला परियोजना के तहत 6 लेन का ग्रीन फील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश को सीधे ट्राई सिटी यानी चंडीगढ़ से सीधे जोड़ने की योजना है। इस परियोजना के तहत अम्बाला से शामली तक करीब 110 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण होना है। इसमें अम्बाला के साहा, बराड़ा, मुलाना और केंट क्षेत्र के 56 गांव के खेतों में नया नेशनल हाईवे निकलेगा। 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI हरियाणा के लाडवा, जगाधरी, रादौर, सरस्वती नगर और इंद्री तहसील क्षेत्र से होकर गुजरने वाले 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण से पहले DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ जमीन को अधिकृत करने के लिए अम्बाला, यमुनानगर, करनाल और कुरुक्षेत्र में लैंड मैजिस्ट्रेट की भी जिम्मेदारी तय की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस परियोजना के बीच में पड़ने वाले वन विभाग, बिजली निगम सहित अन्य अधिकारी विभाग को पत्र लिखकर उनकी सरकारी संपत्तियों का ब्यौरा मांगते हुए यूटिलिटी टीम गठित की है, जिससे परियोजना के बीच में आ रहे इन विभागों की सूक्ष्म व बड़ी इकाई को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने में आने वाली लागत का पता चल सके। वन विभाग को बताना है कि इस परियोजना को शुरू करने से पहले कितने पेड़ काटे जाने हैं और बिजली निगम को यह सूचना देनी है कि उनके कितने बिजली के पोल बीच में पड़ रहे हैं। इस 6 लेन नेशनल हाईवे को दुर्घटना से मुक्त बनाए जाने के लिए इस पर चलने वाले वाहन को शुरुआत से गंतव्य तक के टोल की टैक्स का वहन करना होगा। इससे वाहन में सवार लोगों को पूरे हाईवे का टोल टैक्स देने से राहत मिलेगी। 110 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन नेशनल हाईवे पर सिर्फ 4 स्थान पर ही वेसाइड एमिनिटी बनाया जाएगा, जहां पर पेट्रोल, CNG पंप, रेस्टोरेंट और शौचालय बनाया जाएगा। इसका इस्तेमाल हाईवे पर चलने वाले वाहनों में सवार लोग कर सकेंगे। शौचालय की सुविधा फ्री होगी, जबकि अन्य सुविधाओं के लिए निर्धारित दर का भुगतान करना होगा। शामली से अम्बाला तक प्रस्तावित इस 6 लेन हाईवे का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नेशनल हाईवे संख्या 44 पर वाहनों का दबाव कम होगा। अभी रोजाना NH44 पर 25 से 35 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। अम्बाला में NHAI के तकनीकी प्रबंधक अंकुश मेहता ने कहा कि भारतमाला परियोजना में इस प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। अम्बाला से शामली तक करीब 110 किलोमीटर लंबे इस नेशनल एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा किया जाना है। इसके लिए अब जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी चल रही है। अम्बाला शहर के सदोपुर, पंखोजरा, अम्बाला छावनी के रामगढ़, उर्फ शरीफपुर, रतनहेड़ी, पिलखनी, कपूरी, हिलपुरा, खुड्डी, साहा के मिठापुर, समलेहड़ी, तेपला, हरियोली, हरड़ा, रामपुर, कसीटपुर, टोबा, हिमा माजरा, पपलौथा, कालपी, नोहनी, मौजगढ़, राजौली, केसरी, छापरा, शेरगढ़, हरड़ी, अकबरपुरा, धुराला, फुलेल माजरा, खारूखेड़ा, बराड़ा के अलावलपुर, फोक्सा, मनु माजरा, तलरेड़ी रंगरान, थम्बड़, कामस, अयोध्या हिंदवान, कम्बासी, तंदवाली, अयोध्या मुसलमान, अधोई, दहिया माजरा, बराड़ के सज्जन माजरी, दादूपुर, चहल माजरा, सरकपुर, रजौली, राजोखेड़ी, तंदवाल, पट्टी बखेरू और गेलड़ी गांव के खेतों से होकर गुजरेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी परियोजनाओं और उससे जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।